हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि फंक्शंस होते हैं क्या, इनकी नीड क्या है। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ फंक्शन। तो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करती हैं, या मेरी कोई फंक्शनैलिटी है उसको मैं एक फंक्शन के अंदर डाल के रख दूंगा। तो जब भी मुझे ये फंक्शनैलिटी दोबारा चाहिए होगी तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। तो सिंपल है, मैं एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफाइन करूँगा, उसके अंदर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी मेरी जो एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करती होंगी, उसको मैं एक नाम दे दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको एक नाम देंगे और इसके आगे ये फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो ये जो फंक्शन कीवर्ड है वो जावास्क्रिप्ट को बताता है कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है, मतलब ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एक फंक्शन है और इसके आगे आपको ये दो पैरेंथेसिस लगाने होंगे। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जो हमारा कोड है वो रीयूज़ हो जाएगा। अब ये वाली फंक्शनैलिटी मुझे मल्टीपल प्लेसेस पे चाहिए होगी तो मैं बार बार वहाँ पे सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। मतलब एक सिंगल प्लेस में हमने कोड डिफाइन कर दिया है, अब जहाँ पे भी मुझे वो फंक्शनैलिटी चाहिए तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर लूँगा। इसके साथ साथ इसमें हम इनपुट्स भी पास कर सकते हैं, वो इन इनपुट के बेसिस पे एक आउटपुट कैलकुलेट करेगा, वो आपको रिटर्न कर देगा वो आउटपुट। तो अगर मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो सिंपली हमारा एक फंक्शन है, इसमें आप इनपुट पास करेंगे, वो इन इनपुट के बेसिस पे कुछ एक्शंस परफॉर्म करेगा और आपको एक आउटपुट रिटर्न करेगा। तो अगर इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो सपोज मेरे पास ये एक एटीएम मशीन है, इसमें आप अपना कार्ड डालते हैं और अपनी पिन डालते हैं और उसको बताते हैं कि भैया ये अमाउंट चाहिए मुझे, तो वो आपको एक कैश निकाल के देता है। तो यहाँ पे ये जो एटीएम मशीन है वो एज अ फंक्शन बिहेव कर रही है, आप उसको इनपुट देते हैं वो आपको आउटपुट देती है। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं अपने कोड के अंदर। इससे क्या होता है कि जो हमारा कोड है वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हो जाता है, कुछ सेट ऑफ फंक्शनैलिटी जो एक पर्टिकुलर काम करती हैं वो एक फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। तो अगर इसके कोडिंग से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स बताऊं, तो सपोज मुझे एक यूज़र को रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बना देंगे, वो हमारे यूज़र को रजिस्टर करवा देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, तो सपोज इंस्टाग्राम जैसे ये कुछ फिल्टर्स हैं जो हमारी इमेज को मैनिपुलेट करते हैं। अब ये हमारे पास डिफरेंट फिल्टर्स हैं, हर फिल्टर जो वो अपने तरीके से इमेज को मैनिपुलेट करता है, तो हर फिल्टर के लिए हम लोग एक फंक्शन बना सकते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग इमेज को मैनिपुलेट कर रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं मॉड्यूलर कोड लिखने के लिए। तो इसको कोड के थ्रू भी समझते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैंने ये दो वेरिएबल बनाए हैं ए और बी, और इनमें वैल्यू साइन करी है। अब सपोज मुझे इसका सम निकालना है, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा सम नाम का और इसमें ये ए प्लस बी कर दूंगा, और इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 30 आया है। अब सपोज ये वाली फंक्शनलिटी मुझे डिफरेंट नंबर्स के साथ परफॉर्म करनी है, तो मैं उसके लिए यहाँ पे कोड डुप्लीकेट नहीं करूँगा, मतलब मैं इसको मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखूंगा। तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बना के छोड़ दूंगा, वो हमारे लिए सम निकालेगा और उसको प्रिंट कर देगा। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक्शन और यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम देंगे हम लोग, जो भी हम अपने फंक्शन का नाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने सम नाम दिया है, उसके बाद यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे हम लोग दो ब्रेसेस लगाएंगे। तो जितना भी हमारा कोड है वो हम इसके अंदर लिखेंगे, जो भी हमारे को सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखनी होगी वो हम इस ब्लॉक के अंदर डिफाइन करेंगे। तो अभी मैंने बताया था कि हमारे फंक्शंस जो हैं वो इनपुट भी लेते हैं और आउटपुट भी देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग दो इनपुट लेंगे क्योंकि मुझे दो नंबर का सम निकालना है। तो यहाँ पे मैं दो इनपुट वेरिएबल्स बनाऊंगा, तो ए और बी में हमारे पास इनपुट आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ लेट सम इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पे मैं इसको लॉक कर देता हूँ और इसको रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, जितने भी हमारे इनपुट्स होते हैं वो हम इस ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो इस केस में हमें दो इनपुट मिलने वाले थे, तो यहाँ पे मैंने ए और बी डिफाइन किया है। तो ये जो हमारे ए और बी हैं इसको हम लोग पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो अगर इसको टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन करूँ तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है सम नाम का, जो कि दो इनपुट पैरामीटर्स लेता है ए और बी, इसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करेगा उसका सम और उसको प्रिंट कर रहा है यहाँ पे। ये जो हमारा फंक्शन ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे हमने डायरेक्टली उसका आउटपुट प्रिंट करा दिया है। अगर इस फंक्शन से हमें आउटपुट रिटर्न करवाना है तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा सम फंक्शन है जो कि दो इनपुट लेता है और ये हमारा आउटपुट रिटर्न करेगा उसका सम। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन करके छोड़ दिया। अब जब भी मुझे ये फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, मतलब कहीं से भी मुझे फंक्शनैलिटी चाहिए होगी, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो देखते हैं इसको कॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ सम, और यहाँ पे दो ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर अपने दो इनपुट्स भेजेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ए और बी पास कर देता हूँ। तो ये हमने ये दो वेरिएबल्स बनाए थे ए और बी, इसको हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 30 आया है। अब सपोज़ ये वाली फंक्शनैलिटी मुझे दोबारा करनी होती तो यहाँ पे मैं कुछ और पैरामीटर्स पास कर देता। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 4 आया है। तो ये जो हमारा फंक्शन है ये आउटपुट को प्रिंट भी करता है। अब सपोज़ मैं इसको प्रिंट नहीं कराना चाहता हूँ, जो भी इसका आउटपुट है उसको रिटर्न कराना चाहता हूँ, तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर दूंगा। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं कुछ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इसकी रिटर्न वैल्यू है, मतलब इस सम की जो रिटर्न वैल्यू है, इसका जो आउटपुट है हमने कहीं स्टोर नहीं कराया, उसको प्रिंट नहीं कराया हमने खुद से, तो इसलिए यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इसके आउटपुट को यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसको हम लोग इस तरीके से स्टोर करेंगे। तो जो भी इस फंक्शन का आउटपुट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसको लॉक कराता हूँ मैं, सिमिलरली इसको भी लॉक कराते हैं।
तो इसको भी मैं टोटल में ही स्टोर कर लेता हूँ, और इसको भी लॉक कराते हैं यहाँ पे, और इसको रन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप सेम आउटपुट देख सकते हैं, 30 और 4 आ रहा है। तो जो भी इसका आउटपुट होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस डिफाइन करते हैं। तो ये जो हमने ए और बी डिफाइन किए हैं ये हमारे पैरामीटर्स हैं, और यहाँ से जो हम वैल्यूज़ पास करते हैं उसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो ये था हमारा फंक्शंस के बारे में। तो वापस स्लाइड्स पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया सम नाम का, जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं हमारे, और ये इनका सम रिटर्न करता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको कॉल करते हैं। तो ये जो 1 वाली वैल्यू है वो हमारी x के अंदर जाएगी, और ये जो 2 वाली वैल्यू है वो हमारी y के अंदर जाएगी, मतलब 1-to-1 मैपिंग होती है इनके बीच में। और ये जो हमारा आउटपुट है वो हमारे इस टोटल वेरिएबल में सेव हो जाएगा। तो जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। तो अगर मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात करूँ, जैसे कि जावा हो गई या आपकी सी शार्प होगी, तो इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं। बट जावास्क्रिप्ट के केस में क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं उसको हम लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा तरीका होता है उसको हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक और तरीका होता है जिसको हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं। तो उसके थ्रू भी यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ एवरेज नाम का, जो हमारा एवरेज कैलकुलेट करेगा दो नंबर्स की। मतलब जिस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं सेम उसी तरीके से हम लोग फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, ये हमारा दो इनपुट पैरामीटर्स लेगा ए और बी, और ये हमें रिटर्न करेगा ए प्लस बी बाई टू। तो इस तरीके से जब भी हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसको हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा है वो एज ए एक्सप्रेशन लिखा है, और इस एक्सप्रेशन को हमने इस वेरिएबल में असाइन किया है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ, मतलब इस वाली स्टेटमेंट को और इस वाली स्टेटमेंट को कंपेयर करूँ, तो यहाँ पे हमने 20 असाइन किया था इसको, बट यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फंक्शन असाइन कर दिया है। ये हमारा एक अनोनमस फंक्शन है जिसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फंक्शन के आगे कोई नाम नहीं दिया है, जैसे यहाँ पे हमने दिया था। ये हमारा एक अनोनमस फंक्शन है जो कि हमने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया है। मतलब यहाँ पे हमने 20 असाइन किया था, यहाँ पे हमने इसको फंक्शन असाइन कर दिया है। तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग फर्स्ट क्लास फंक्शन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग वैल्यूज़ असाइन करते हैं उस तरीके से हम लोग यहाँ पे फंक्शंस भी असाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं वो एज अ वैल्यू ट्रीट किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने एज अ वैल्यू ट्रीट किया है, और इसको हमने एवरेज को असाइन कर दिया है। तो कोई भी लैंग्वेज जहाँ पे फंक्शंस जो एज अ वैल्यू ट्रीट होते हैं उसको हम लोग फर्स्ट क्लास फंक्शन लैंग्वेज कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक फर्स्ट क्लास फंक्शन लैंग्वेज है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू हम लोग फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसको हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन कहते हैं, और इसको हम लोग फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें कुछ और भी डिफरेंसेस हैं जो हम आगे देखेंगे जब हम लोग स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मान लेते हैं कि ये दो तरीके हैं फंक्शंस डिफाइन करने के। तो इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ लेट एक्स इक्वल टू एवरेज, और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूँगा 5.4, और इसको प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे रन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 4.5 आया है। तो एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है वो इसके बाद ही कॉल किया है, इससे पहले अगर आप कॉल करेंगे तो एरर आ जाएगा। उसके पीछे रीज़न जो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए मान लीजिए कि जब भी आप कोई फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं तो पहले आप फंक्शन डिफाइन करेंगे उसके बाद उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं अगर इसको ऊपर कॉल कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एरर आ जाएगी, क्योंकि उसे पता नहीं है कि एवरेज के अंदर है क्या, और हमने यहाँ से इसे कॉल कर दिया। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप एक फंक्शन एक्सप्रेशन डिफाइन करें तो उसके डिफाइन होने के बाद ही उसे कॉल करें। तो ये था हमारा फंक्शंस के बारे में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो, जीवन एक रेस है ऊपर चढ़ना सीख लो, हो जाए जब सब कुछ खुद मनना सीख लो, उठा के बस्ता ना आपके रास्ता हर कोई चला है आई टी में। आई टी 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 में आई टी आई टी।